मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम पैदा क्यों हुए बस ऐसे ही <laughs> लोग आ। आ। एक उम्र के बाद उन्हें कुछ कुछ होने लगता है और उसे बोलते हुए उन्हें शर्म आती है तो वो बस एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं वो इसे स्वीट नथिंग्स कहते हैं ये स्वीट नथिंग्स कहते कहते वो कुछ कुछ कर लेते हैं। बहुत सारा नथिंग नथिंग होता है फिर एक बार समथिंग हुआ और आप आ गए ऐसे ही होता है अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे जन्म का मकसद क्या है हम्म अगर कोई मकसद ना हो तो ये सवाल कि मेरे जन्म का मकसद क्या है इसीलिए उठता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन का अनुभव बेमतलब हो चुका है आप चाहते हैं कि आपके वजूद के लिए कोई भगवान का दिया मकसद हो आप ऐसा नहीं पूछते अगर अभी आपका सर परमानंद से फूट रहा होता। अगर आपकी हर कोशिका में परमानंद का विस्फोट हो रहा होता तो आप यह नहीं पूछते कि मैं पैदा क्यों हुआ, है ना? आप यहां बैठे हैं, इस बेकार के सत्संग में बैठे बैठे पैर सुन्न हो गए हैं हुँ? सब कुछ दुख रहा है अब मैं पैदा क्यों हुआ इस दर्द का मकसद क्या है आप यही पूछ रहे हैं <laughs> अगर आप परमानंद से फूट रहे होते तो आप नहीं पूछते कि मैं पैदा क्यों हुआ है ना बताइए पूछते क्या नहीं सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ तो सबसे पहले आपको अपने जीवन के अनुभव को बदलना होगा अगर आप आनंदित नहीं हैं तो मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आप अभी जीवन का आपका अनुभव एक खास तरह का है मैं बहुत घमंडी और गैर जिम्मेदार लगता हूं मैं ऐसा नहीं हूं लेकिन लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि जीवन का मेरा अनुभव परमानंद के नशे में डूबा हुआ है आप होश में हैं और आपके पैर दुख रहे हैं आपके लिए मैं पैदा क्यों हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए ये एक मजाक है तो पहले आप अपने जीवन के अनुभव को बदलिए और फिर जवाब ढूंढिए क्योंकि अपने अभी के हाल में अगर आप जवाब ढूंढेंगे तो आप हर तरह के गलत नतीजों पर पहुंच जाएंगे तो इन दुखते पैरों के साथ अगर आप पूछते हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ तो फौरन मैं आपको बता सकता था मैं अपने आसपास बहुत सारे दयनीय लोगों को इकट्ठा कर सकता था जैसा ज्यादातर आध्यात्मिक सभाओं में होता है अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं भगवान आपको आजमा रहे हैं फिर आप नहीं हिलेंगे चाहे दर्द के मारे पैरों की हालत खराब हो <laughs> अपना ही राग आलाप रहे हैं। लेकिन भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं मुझे इस परीक्षा में पास होना है हुँ? अगर आप अपनी उम्मीदों में फेल हो जाते हैं तो चलेगा लेकिन क्या आप भगवान की उम्मीद पर फेल हो सकते हैं? तो अगर कोई मकसद ही ना हो तो और कोई मकसद है भी नहीं जीवन अपने आप में ही एक मकसद है उसे किसी मकसद की जरूरत नहीं है यह सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि आपने जीवन की भव्यता का स्वाद नहीं चखा है यह सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि आप जानते ही नहीं है इंसान होने की विशालता का एहसास ही नहीं हुआ है तो अगर आपको उसका अनुभव हो गया तो आप यह नहीं पूछेंगे कि क्यों क्योंकि क्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता किसे फर्क पड़ता है क्यों ये बेमिसाल है ये शानदार है ये जबरदस्त है आप क्यों क्यों पूछेंगे इस समय यह तुच्छ है यहां वहां कुछ अनुभव होते हैं जिनसे आपका जीवन चलते रहता है बाकी सब कुछ बहुत ही तुच्छ है सुबह उठना टॉयलेट जाना नाश्ता बनाना खाना फिर ऑफिस जाना कभी कभी कामयाबी का एक पल कभी सुख का एक पल प्यार का पल खुशी का पल इधर उधर ये चीजें आपको चलाते रहती हैं इनके अलावा बाकी सब बिल्कुल तुच्छ है।, है ना ऐसा ही है ना इसी वजह से यह सवाल उठा अगर आपके जीवन का हर पल पूरी तरह से उल्लास से भरा हो और आपके अंदर विस्फोट कर रहा हो तो क्यों एक बेतुका सवाल होगा है ना तो ये हम हम आपके जीवन में थोड़ा जोश ला सकते हैं यह कह कहकर कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं या भगवान तुम्हें चूम रहे हैं Hmm? लोग आपसे ऐसी बहुत सी बातें कहेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है अगर आप अपने अस्तित्व के उल्लास को नहीं जान पाते तो आप मकसद पैदा कर सकते हैं अगर आप इस अस्तित्व के उल्लास को जान लेते हैं अगर आप यहां होने के परमानंद को अनुभव करते हैं तो फिर मकसद की परवाह ही किसे है